ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੀਟ ਵੀ ਕਿਆ ਸੀ, ਸੀਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे हो, दुनिया व आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। तो आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। काफ़ी दिनों के बाद कैमरे के सामने आए हैं। मैंने पहले भी बोला था कि शॉर्ट वीडियो पर मेरा ज़्यादा ज़ोर है, क्यों शहर में होते हैं, कोई विलेज का माहौल नहीं है कोई देखने में को। तो जब अपने विलेज में आता हूँ, गाँव में आता हूँ, तो इधर ही अपनी वीडियो वगैरह बनाते हैं। तो विलेज का काफ़ी खूबसूरत मंज़र होता है जो आप दोस्तों को दिखाने को मिलता है। तो शहर में एक तो पढ़ाई का सिलसिला होता है, तो वैसे भी टाइम कम होता है। तो मैं तकरीबन परसों आया था, मंगलवार वाले दिन शाम को तकरीबन 10:30 इधर पहुंचा था। तो कल भी काम था कुछ घर में, आज मूड बना है भाई निकलने का। इन दोस्तों को भाई घर से निकाला मैंने, मुझे अकेले को निकाला। और कौन दोस्त है? एक ही दोस्त जो पड़ोस में है, ये साथ वाला घर है इनका हमारा। तो वैसे अकेले आना भी मज़ा नहीं आता है, तो अभी सिर्फ अपनी ज़मीनों में चक्कर लगाने के लिए निकले हैं। कल पानी पीना, पानी पीना इतने पहले प्यास लगी है, प्यास तो मुझे भी लगी हुई है, तो पीला पहले पहले ये पियेंगे फिर मैं पीऊँगा। ये देखें ये मक्की लगी हुई है, काफ़ी खूबसूरत मंज़र है और सूरज। कल कुछ घर का काम था वो करते रहे हैं, तो आज भी सुबह से कुछ नहीं किया। लेकिन दोपहर को ना घर वालों का एक फरमाइश थी, काफ़ी दिनों से थी, तकरीबन 2-3 बार मेरा चक्कर लगा भी है उसके बाद जब से उन्होंने फरमाइश की है शवारमे की, क्यों घर में शवारमा बनाए तो काफ़ी मज़ेदार बनता है, पीटा ब्रेड खुद घर में बनाए। तो शुरू से लेके अलिफ से लेके ये तक जो चीज़ें होती हैं ना उसकी, वो घर में बनाए तो काफ़ी मज़ा आता है शवारमा खाने का। तो आज तो पता नहीं क्या था जो पहले हमने पहले बनाए हैं शवारमे घर में, क्यों रीजनल चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं और नुकसानदेह भी नहीं होता है, अपनी मर्ज़ी का बनाया जाता है। जो उसमें नुकसानदेह चीज़ें जो बाज़ार वाले डालते हैं हम उसको काट देते हैं। तो आज पहले से भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना था, बहुत ही ज़्यादा। तो उसी चक्कर में लगे रहे हैं, तकरीबन जोर के बाद फारग हुए हैं। तो अभी बाहर जो ज़मीनों का चक्कर है वो लगाना है, देखना है क्या सूरत हाल है, क्यों बिजाई वगैरह पीछे से अब्बा जी ने करवाई है। तो मैं बस देखने के लिए निकला हूँ, बस थोड़ा सा पहले पानी पी लें फिर आगे ज़मीनों का देखते हैं। पानी पीने लगा, कल बस कर सारा पानी तू ही पी रहा, बस कर। ये ज़मीन है जिसमें हम चारा बिजाई करके गए थे, तो माशाल्लाह काफ़ी ठीक खड़ी है बिजाई हमारी, अभी तो छोटे छोटे से हैं, अभी तो 25 दिन हुए हैं, 25 दिनों के बाद मेरा चक्कर लगा है। ये देखें ये चराने वाला छोटा बच्चा है बकरियों को, ये हमारी दूसरी ज़मीन है जिसमें चारा पहले एक कटाई हो चुकी है, इसकी एक फोट को काट ली हमने, ये दूसरी फोट हो रही है। तो इधर साथ वालों की मक्की है, ये काफ़ी खूबसूरत खड़ी है ये भी। उसके बाद ये है, ये भी जाते हुए मैं बिजाई करवा के गया था जिसमें हमने रेज़र फेरा था, उसके बाद इसकी बिजाई भी हुई थी। शाम का वक़्त था, काफ़ी टाइम के बाद हमें पानी भी मिला था, अभी तक मुझे याद है इसका। तो ये भाई भी साथ थे उस वक़्त जब पानी लेट हो चुका था हमारा। हाँ पानी फिर लगाने वाला हो गया, पानी 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 देखते हैं पूछते हैं कि कल तक ला
ये अगला क्या रहा हमारा, तो ये पीछे से अब्बा जी ने बिजाई करवाई है, तो मैं तो इधर नहीं था। ये अभी हुई है तकरीबन थोड़े से दिन हुए हैं अभी, दे छोटे छोटे से हैं पौधे इसके, तो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत बिजाई हुई है इसकी। ये भाई ने लिया है नया मोबाइल, हाँ ये लिया है, तो हम काफ़ी टाइम से इसकी सेटिंग कर रहे थे, तो कुछ सेटिंग वगैरह करने वाली होती है जब नया नया मोबाइल आता है, तो वो मैं क्यों, मैं ओप्पो का काफ़ी टाइम से मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, तो उसकी काफ़ी अच्छी अच्छी सेटिंग्स ही है, तो वो इनको भी करके दिए, मैंने खुद भी मैंने वही की हुई है, काफ़ी मज़ेदार सेटिंग है इसकी। तो काफ़ी टाइम हो गया मैं इधर बैठे हुए, तो टाइम भी अब थोड़ा सा रहता है मगरिब की अजान को, तो अब हमारा मूड है घर वापस जाने का। चलिए तो बस अभी निकलते हैं घर को। तो बस आज मेरा छोटी सी वीडियो बनाने का मूड था, तो ये जो चक्कर वगैरह लगाना था ज़मीनों को, ये वगैरह देखनी थी मैंने, तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। तो बस आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, किक्कर थी नहीं पीछे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा नीचा होके आना पड़ता है। तो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, और अपने भाई को अपनी खुशी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, छोटा सा बटन होता है तो उस पर सिर्फ क्लिक ही करना होता है, कुछ ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगता है, ना कोई उस पर एनर्जी लगती है, ना कोई पैसा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।